खाना पीना खाएंगे, वेज नॉन वेज जो भी आपकी इच्छा है, और भाई सब चिल कीजिए, शावर का ऑप्शन है बताइए। कसी आहे पब्लिक, आज की डेट ऑफ जर्नी 26 सितंबर, सुबह के बज रहे हैं लगभग 1, और यहाँ से शुरू होने जा रहा है हमारा इंटरनेशनल सफ़रनामा। आपको बताइए, दिस इज #DolesChalaUK, आपके लिए बैक टू बैक, मैं तो ये कहूँगा एकदम धमाकेदार कंटेंट। इस वाले व्लॉग की शुरुआत करें, नहीं देखिए, ये है मेरी तीसरी इंटरनेशनल ट्रिप और फर्स्ट सोलो इंटरनेशनल ट्रिप, तो मज़ा आने वाला है। तो चलिए थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की, इस वाले धमाकेदार टूर की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। यहाँ पे मेरे साथ मम्मी, थोड़ी बहुत इमोशनल, आप भी समझ सकते हो, 30 डेज का टूर। और आपके लिए जैसा मैंने आपसे कहा ना, कंटेंट देखिएगा एकदम बवाल कंटेंट। तो चलिए जल्दी से कॉफ़ी ख़त्म करेंगे, उबर लेंगे और चलेंगे मुंबई एयरपोर्ट। आपसे बहुत सारी बातचीत करनी है, यहाँ पर लगेज तैयार, सब कुछ आपको विस्तार में बताया जाएगा, बट सबसे पहले उबर लेके चलते हैं। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर आपका स्वागत है। मैं फ्लाई कर रहा हूँ विद एथियाड एयरवेज फॉर द फर्स्ट टाइम। इस वाले व्लॉग में आपको एयरबस प्लस बोइंग दोनों की जर्नी मैं आपको दोनों दिखाने वाला हूँ, फ्रॉम मुंबई टू लंदन, दैट इज़ मुंबई टू हीथ्रो एयरपोर्ट, क्या सफ़रनामा होने वाला। और बिकॉज सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे को लगेज का भी ध्यान रखना है, कैमरे का ध्यान रखना है, पासपोर्ट का ध्यान रखना है, सब कुछ हैंडल करना है, प्लस व्लॉगिंग भी करनी है। तो अब मैं जा रहा हूँ पहले अंदर, इमिग्रेशन करेंगे, सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कुछ पहले वो करने दीजिए और फिर मेरी आपसे मुलाकात होगी। आई एम श्योर आप सोच रहे होगे भैया एक्साइटेड है, नर्वस है, आपको सच बता रहा हूँ एक्साइटमेंट बहुत है बट नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा मन में डर है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतेंगे आई एम श्योर वो डर निकलेगा। और आप यहाँ पैसेंजर्स देखिए, यहाँ आप ट्रैफिक देखिए, तो पहले सब करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ट्रैवल बुकिंग्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ वीगो ऐप, जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप, बिकॉज वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर्स। और अगर आप इंग्लैंड के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वीगो पर आपको मिलेंगी बेस्ट होटल्स एंड फ्लाइट्स। तो किस बात का इंतज़ार है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, अगर ऐप आपके पास ऑलरेडी है अपडेट ज़रूर कीजिएगा, आपको मिलेंगे एक्साइटिंग फीचर्स एंड इंडियन कस्टमर्स के लिए IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन भी। तो ट्रैवल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, चलिए रेडी टू रोल। लगेज चेक इन डन, सिक्योरिटी डन, इमिग्रेशन डन। आपको बता दूँ टोटल प्रोसेस में मेरे को कितना टाइम लगा, लगभग 2 घंटे। तो अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट बोर्ड कर रहे हो, दिस इज़ समथिंग अबाउट विच यू हैव टू बी केयरफुल। अब आपको बता दूँ मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, मैं जा रहा हूँ वाया अबू धाबी, तो पहले मुंबई से मैं जाऊँगा अबू धाबी, फिर फ़्लाइट चेंज होगी और फिर वहाँ से अबू धाबी से मैं जाऊँगा हीथ्रो। एथियाड एयरवेज़ की है बट जो पहली फ़्लाइट है दिस इज़ ऑपरेटेड बाय एयर अरेबिया, तो उसका एयरक्राफ्ट होगा एयरबस। अब फाइनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट आके आफ्टर 3 ईयर्स, कोविड ने जो किया आप सबको पता है। गेट नंबर इट इज़ 48B, बोर्डिंग पास तैयार, सब कुछ तैयार। और आप यहाँ पे पैसेंजर्स देखिए, सोचो रात के लगभग 4 बज रहे हैं, बट यहाँ पर अगर आप सीन देखोगे ना, कोई फुकेत जा रहा है, कोई शारजहाँ जा रहा है, कोई सैन फ्रांसिस्को जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, कोई कहीं जा रहा है। देख रहे हो आप ये हलचल, देख रहे हो भाई साहब, यही तो मज़ा है इतने लोगों के बीच व्लॉगिंग करना। गेट नंबर 48, इस तरफ भी देखो, यहाँ भी वेटिंग, यहाँ भी, ये कोई बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है आई गेस, कहीं तो है, वेट करना पड़ेगा। से हाय,
पहले गेट था 48, अब गेट चेंज कर दिया गया है, अब हो गया 78. वन ऑफ माई सब्सक्राइबर हु इज़ वर्किंग विथ एयर अरेबिया. यस, कुछ टेक्निकल डिटेल्स आपके लिए ज़रूर बनती है. ज़रा एयरक्राफ्ट के बारे में जानना चाहेंगे, कौन सा है जिसमें हम फ्लाई कर रहे हैं? एयरबस 320. टोटल पैसेंजर कैपेसिटी 74 इज द कैपेसिटी. वी हैव द प्रीमियम इकोनॉमी सीट्स, मीन्स वी हैव द गुड लेगरूम सीट ऑन ऑल ओवर द इंटरनेशनल एयरलाइन व्हिच आर वर्किंग. वी हैव द बेस्ट इकोनॉमी सीट्स. और जो एयरबस A320 है, यहाँ से मुंबई टू अबू धाबी बात करें तो लगभग फ्यूल कितना कंज्यूम होता है? लगभग 11,000 फ्यूल मैक्सिमम कैप्टन कैरी करता है, बट वो भी सेफ्टी के लिए कैरी करता है, बाकी 9,000 में भी वो कर सकता है. अच्छा, और एयर अरेबिया और प्लस एथियाड एयरवेज का? हाँ, वी हैव अ कोड शेयर विद एथियाड. हमारा कोड शेयर है, अगर एथियाड के ओवरबुक्स रहेंगी फ्लाइट्स तो वो हमको ट्रांसफर करते हैं अपना बुकिंग्स. और इनकी तरफ से आप कह सकते हो बिकॉज ही सब्सक्राइबर, थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट भी हमको मिला. बट थैंक यू सो मच, आपने इतनी टेक्निकल डिटेल्स हमारे साथ शेयर की. सब पैसेंजर्स आप देखोगे यहाँ आगे, ये हमारा गेट 78, एयरक्राफ्ट बस अभी आया है. आई गेस 15-20 मिनट में यहाँ पर हमारी बोर्डिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी. और एक शिफ्ट बेस्ट थिंग हमारा ये है कि हमारा ग्राउंड टाइम ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी इंटरनेशनल एयरलाइन है सबसे कम ग्राउंड टाइम एयर अरेबिया का है, 40 मिनट्स ग्राउंड टाइम. जैसे कि क्या? वी हैव टू टर्न बैक द फ्लाइट इन 40 मिनट्स जब वो आएगी जी, तो चॉक्स ऑन से लेके चॉक्स ऑफ मिनट से जब आती है और जब जाने के इतने में हमारे पास सिर्फ 40 मिनट का टाइम होता है. उसमें हमको अराइवल भी कंप्लीट करना पड़ता है, क्लीनिंग भी कंप्लीट करना पड़ता है और डिपार्चर भी कंप्लीट. वेरी गुड. और आपकी जो जॉब है उसमें एक शिफ्ट में आप कितने एयरक्राफ्ट को इन एंड आउट करवाते हो? एक शिफ्ट में हम 2 एयरक्राफ्ट को, और इन कोविड एयर अरेबिया में हम दिन में मतलब एक शिफ्ट पे 4 एयरक्राफ्ट को हम इन एंड आउट करवाते थे. फिर 4 आपने एयरक्राफ्ट हैंडल किए, फिर आपकी ड्यूटी चेंज, ड्यूटी शिफ्ट चेंज. भाई साहब, और स्पेशली एट मुंबई एयरपोर्ट जहाँ पर इतना ट्रैफिक है. बस अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इनके लिए एक लाइक ज़रूर बनता है. इतनी टेक्निकल डिटेल्स आपने शेयर की, थैंक यू सो मच. यहाँ पर आप देख लीजिए पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं, गेट नंबर 78, बैग तैयार, उड़ने के लिए तैयार एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 35,000 फीट. एंड दिस इज़ इंटरनेशनल, माई फर्स्ट सोलो इंटरनेशनल ट्रिप. सफ़रनामा चल रहा है, टेक ऑफ किए, लगभग 1 घंटा हो चुका है. उम्मीद है आवाज़ क्लियर होगी बिकॉज मैं जा रहा हूँ, दिस इज़ कनेक्टिंग फ्लाइट, मैं जा रहा हूँ टिल लंदन. तो मेरी वेज मील इसमें ऑलरेडी बुक्ड है. तो यहाँ पर ये देखिए, इस फ्लाइट ने मेरे को दी है वेज बिरयानी, वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन है, उसके साथ मेरे को कर्ड दिया गया है, एकदम गर्मा गर्म बिरयानी एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 36,000 फीट. मुंबई टू अबू धाबी का डिस्टेंस कुछ 2000 किलोमीटर्स, और ये फ्लाइंग टाइम है लगभग 2.5 घंटे का. मैं आपसे कहता हूँ जब आपको इन नज़ारों के साथ गरम गरम खाना सर्व होता है ना विद द विंडो सीट, पूछिए मत. बट सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बिरयानी, ये थोड़ा सा कुछ अजीब कॉम्बिनेशन है, एकदम फ्रेश. बिल्कुल राइट टाइम हम पहुंचे हैं अबू धाबी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे. अब आपको बता दूं, कोई RT-PCR वगैरह मैं कुछ भी साथ में कैरी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ वही वैक्सीन सर्टिफिकेट. इट इज़ 8 o'clock. आपको टाइम डिफरेंस बता दूं, अब करंटली इंडिया में हो रहे हैं 9:30, अबू धाबी में हो रहे हैं इट इज़ 8 o'clock. अगर आप पीछे देखोगे वापस वहाँ, यहाँ पे मेरा सिक्योरिटी चेक इन, जो मेरी नेक्स्ट फ्लाइट है एथियाड की बोइंग फ्रॉम अबू धाबी टू हीथ्रो, वो है करीब 2 बजे. तो यहाँ पर लगभग 6 घंटे का ले ओवर है, यहाँ पर मेरे को टाइम ही टाइम मिलेगा. तो मैं वापस जा रहा हूँ सिक्योरिटी चेक इन करने, लगेज वगैरह एक बार फिर से किया जाएगा. और आप देखिए, अगर आप देख पाओ अबू धाबी, भाई साहब
यही बात है ना, जर्नी में भी मज़ा आ रहा है। अभी तो देखिएगा बैक टू बैक आपके लिए अब व्लॉग्स आएंगे। एक बार मेरे को लंदन पहुंचने दीजिए, एक बार यूनाइटेड किंगडम पहुंचने दीजिए, और आप यहाँ पर क्लीननेस, साफ़ सफाई देखिए, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास जर्नी में आ रहा मज़ा। मैंने आपको ये जर्नी बहुत छोटी दिखाई है, कोशिश यही है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटेंट दिखा पाऊँ, बिकॉज एथियार मेरे को आपको दिखाना है, दैट इज़ बोइंग, और उसका सिटिंग कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अलग पैटर्न होने वाला। 6 घंटे का लेओवर, अब क्या करेंगे, अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अब मैं आ गया लाउंज में, बिकॉज मेरे पास है प्रायोरिटी पास। तो आपको बता दूँ ये मुझे मिला है फ्री कॉम्प्लीमेंट्री फर्स्ट क्लास खाना, यहाँ पर स्पा मसाज और वर्किंग स्टेशन जहाँ बैठ के मैं अपनी एडिटिंग भी कर सकता हूँ, मतलब ट्रैवल व्लॉगिंग में ये मैंने कुछ नया सीखा। अब देखिए यहाँ पर क्वालिटी ऑफ फूड देखिए आप, मैं आराम से यहाँ पे 4 से 5 घंटे निकाल सकता हूँ, ज़्यादा आपको नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज पैसेंजर्स अंदर हैं। इस तरफ आप देख रहे हो सब खाने पीने का, इस तरफ आप देखो पूरा ये सिटिंग अरेंजमेंट। तो अगर आप अबू धाबी आ रहे हो और अगर आपके पास ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं विच प्रोवाइड्स यू द फ्री कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस, प्लीज़ डू नॉट मिस दिस। और आने वाले टाइम में अब जितनी इंटरनेशनल जर्नीज होंगी, कोशिश यही है कि आपको लाउंज मेरे को ज़रूर दिखाना। चलिए बहुत हो गई बातें, एडिटिंग करेंगे, आराम से खाना पीना खाएंगे, वेज नॉन वेज जो भी आपकी इच्छा है, और भाई सब चिल कीजिए, शावर का ऑप्शन है बताइए, दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी। 4 घंटे लाउंज में फर्स्ट क्लास बिताने के बाद, खाना खाने के बाद, अब रेडी टू डिपार्ट। मैं उतरा था टर्मिनल 1 पे, अब मैं बोर्ड कर रहा हूँ नेक्स्ट फ्लाइट नंबर 2 फ्रॉम टर्मिनल 3, वॉकिंग डिस्टेंस है। और अगर आप ये देखोगे, यहाँ आप देख सकते हो दिस इज़ एथियार्ड एयरवेज का, दिस इज़ बोइंग 787-9 ड्रीम लाइनर, कॉस्टिंग का जो मैंने पे किया है फ्रॉम मुंबई टू हीथ्रो, पर पर्सन वन वे इट इज़ 33,000। बस थोड़ी देर में एक और जर्नी शुरू होने जा रही है, और भाई साहब इस टूर की ना यही स्पेशलिटी है, आपके लिए इतना ज़बरदस्त कॉन्टेंट की पूछे मत। मैं कोशिश कर रहा था विंडो सीट मिल जाए, बट टिकट काउंटर पे बता रहे थे एयरक्राफ्ट पूरा फुल जा रहा है, बोइंग ड्रीम लाइनर की कैपेसिटी 250+। अगर आप देखोगे सब पैसेंजर्स यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। और अबू धाबी एयरपोर्ट देखिए, आपके लिए छोटा सा होमवर्क, अबू धाबी एयरपोर्ट का कोड क्या है, एयरपोर्ट कोड जब आप पता है ज़रा कमेंट करके बताइएगा। बाहर देखिए कुछ कुछ ऐसी फील आती है जैसे एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड ऑन मार्स, आप पीछे देख सकते हो दिस इज़ द चेक इन काउंटर। बस थोड़ी देर में ये स्टार्ट होने जा रहा है, खाना क्या सर्व होगा, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, कोशिश करेंगे सब कुछ। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था एथियार्ड में बोर्ड कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा टाइम और, अगर आप देखोगे वापस यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। बोइंग 787 की बात करें तो एथियार्ड के पास फ्लीट साइज़ आई गेस अराउंड मोर देन 40 बोइंग 787। एक और बात ध्यान रखिए, इंटरनेशनल चार्जर, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ से फ्रॉम अबू धाबी टू हीथ्रो फ्लाइट जो ड्यूरेशन है नॉन स्टॉप ये जाएगी 7 आवर्स 30 मिनट्स, मेरी अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट नॉन स्टॉप, कितनी देर, 7.5 घंटे, पता नहीं क्या होने वाला। बोइंग 787 बोर्ड कर चुके हैं, अभी काफ़ी और पैसेंजर बोर्ड कर रहे हैं, उस तरफ है बिजनेस क्लास, कोशिश करूँगा अगर मैं वो आपको दिखा पाऊँ। पहले यहाँ दिखा दूँ कॉम्प्लीमेंट्री में हर पैसेंजर को क्या क्या दिया जा रहा है। सो दिस इज़ हेडफोन, आप देख लीजिए यहाँ पर ये हेडफोन, ये स्क्रीन दी गई है यहाँ पर, जो भी आप देखना चाहें आपको बाद में दिखाऊँगा। ये हो गया आपके लिए ब्लैंकेट, और प्लस ये एक किट दी गई है, इसमें मास्क हो गया, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह, इसमें सब कुछ दिया गया है। पीछे एक कुशन भी दी गई है, और आप देखोगे पूरा, आप देखिए एयरक्राफ्ट क्या लगता है, व्हाट एन एक्सपीरियंस। और इस तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है इसका इंजन, बोइंग 787 का ड्रीम लाइनर का। दिस एक्सपीरियंस मैं आपसे कह रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस होगा कड़क। अभी तो देखिएगा जब हम जाएंगे एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 36,000 फीट समवेयर, मज़ा आएगा। तो यहाँ
यहाँ पर आप देख सकते हो करंट स्पीड 560 माइल्स पर आवर और ऑल्टीट्यूड 36,000 फीट। और यहाँ पर अब हमको लंच मील सर्व की गई है। मैं आपको बता दूँ मैंने ली है वेज और यहाँ पर नॉन वेज में चिकन भी है, आपको दो तीन ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ इन्होंने मेरे को पास्ता दिया है। बड़े इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब भी आप ये बुकिंग कर रहे हैं वेब चेक इन में प्लीज़ मेंशन कि आपको वेज मील चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको सिर्फ नॉन वेज ऑप्शन ही मिलेगा। यहाँ पर ये एक ये बन दिया गया है, ये सैलेड आप देख लीजिए देखोगे, और यहाँ पर ये कुछ फ्रूट्स हो गया, ये आपको इसमें यहाँ पर ये बटर भी दिया गया है। बट पास्ता लुक्स ऑसम एकदम, ये देखिए इन नज़ारों के साथ एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 36,000 फीट। और जैसा मैं आपसे कहता हूँ खावा लो पीवा लो मत जानी लाइफ। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री अल्कोहल ड्रिंक्स सर्व की जा रही हैं, जूसेस सर्व किए जा रहे हैं, और यही तो है इंटरनेशनल जर्नी अबू धाबी टू लंदन। आई गेस कुछ 4,000 माइल्स जो डिस्टेंस हमको कवर करना है अराउंड, हाँ अब तक कुछ 900 या 1,000 माइल्स कवर कर चुके हैं। एकदम गर्मा गर्म वेज पास्ता इन्होंने दे दिया, मज़ा आया। अगर आप देखोगे पीछे सर्विंग चालू है। आपसे यही कहूँगा जो आप कैमरे में देख रहे हो ना, नथिंग, इसको एक्सपीरियंस कीजिए और जर्नीज कीजिए। क्या फीचर्स आपको मिलेंगे एयरक्राफ्ट में, मूवीज़ आप देख सकते हो। एथियाड एयरवेज का बोइंग 787-9 ड्रीम लाइनर का आपको बिजनेस क्लास नहीं दिखाया जाए ऐसा कैसे हो सकता है। वन पर्सन की कॉस्ट 5,000 USD एंड दिस इज लग्जरी। सो वी हैव अ बिजनेस क्लास सीट हियर वेयर यू हैव अ कंपार्टमेंट फॉर द हेडसेट्स फॉर सम वाटर। देयर वी गो, दिस इज टू मैनिपुलेट द सीट, इट गोस टू फुल बेड if you'd like to see. There we go, all the way. It takes a bit of time but it's all about the comfort. So all the way down to the full bed. There we go, like that. It's perfect. Then it goes back up obviously to the seat. There's also a beautiful tray table. It goes like that. Screen if you would like to have just the entertainment. It is a touch screen, so you can use the touch screen or the remote control, which is also here, and it has the games. You can play the games here, also touch screen. Here we go. It has a vibration, it has a inflatable seat cushion, there is a comforter for extra leg room. Here we go. And that's pretty much it. Thank you. And now total passenger capacity that we would like to know for this business class. For the business class is 28 on this particular aircraft. The ticket starts around 4,000 to 5,000 US dollars per leg, per one way. 45,000 USD. 4,000 to 5,000. Yes. Thank you so much, ma'am, for this. Thank my pleasure. So my pleasure. Hope to see you one day. Thank you. Thank you so Bye. Much. See you again. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में आपका स्वागत है। फाइनली टर्मिनल 4 बोइंग 787 आप यहां पर देख सकते हो। एंड हैशटैग डोलेश चला यूके, अब हो गया हैशटैग डोलेश इज इन यूके। सबसे पहले मेरे को लगेज लेने दीजिए, टर्मिनल 4 पर आए हैं। यहाँ के आगे का क्या क्या होने वाला है एथियाड एयरवेज का मैंने आपको बिजनेस क्लास भी दिखा दिया। थैंक यू सो मच टू द टीम, जब इतने अच्छे लोग मिलते हैं ना मज़ा आ जाता है। एंड फाइनली जनाब हम पहुंच गए लंदन। फाइनली मैं यहां पर हीथ्रो एयरपोर्ट पे आ गया था 7:30 के आसपास, करंटली इट इज़ 9:30। इमिग्रेशन में सोचिए 2 से 2.5 घंटे मेरे को लगे हैं, मत पूछिए। हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने सुना था, ऑनलाइन पढ़ा था कि हीथ्रो पर स्टाफ की कमी है, आज मैंने वो एक्सपीरियंस कर लिया।
तो अगर आप रिसेंटली यहाँ पर आ रहे हो प्लीज़ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की इमिग्रेशन की तो 4-5-6 घंटे की लाइन है। और लगेज का पता है क्या होता है, एयरलाइन में जब आप उतरोगे ना तो फ्लाइट में अनाउंस नहीं करते कि बेल्ट नंबर क्या है, ये देखो इमिग्रेशन आप लाइन में लगे रहोगे 2-3 घंटे और ये लगेज देखो, लगेज ये लोग ऐसे छोड़ देते हैं, ये देखो पता नहीं किसका सामान रखा है। मेरे को खुद अपना सूटकेस ढूंढने में लगभग आधा घंटा लग गया, बेल्ट अनाउंस नहीं करते भाई ये यहाँ तो सरकार ही चल रहा है। अब यहाँ से आगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ हीथरो एक्सप्रेस लेके पेडिंगटन स्टेशन, वो वाला व्लॉग आपको देखना है, व्लॉग नंबर 2। ये वाला व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, बट मैं आ गया UK। बैक टू बैक व्लॉग्स देखिएगा, ज़रूर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। थोड़ी सी थकान है, थोड़ी या बहुत ज़्यादा थकान है, पैर तो ऐसे दर्द कर रहे हैं पूछो मत। मिलेंगे आपसे, ठीक है। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। और यार ये इमिग्रेशन का कुछ करो यार, सिंगापुर में मेरे को लगा था 10 मिनट, दुबई में लगा था 5 मिनट, यहाँ लगे हैं 2.5 घंटे। और ये लगेज का देखो, ये तो कुछ अलग ही चल रहा है, लोग अपने बैग ही ढूंढ रहे हैं, कहाँ है पता नहीं। पूरे एयरपोर्ट मिल गया बैग, मिल गया लोगों के कुछ 4-5 लगेज, ये कितनी देर से ढूंढ रहे थे भाई साहब। ठीक है, मिलते हैं।